नमस्ते, जय हिंद। मैं आज मिलने वाला हूँ 9th क्लास के जो बच्चे एग्जाम दिए हैं हमारे पास जो पढ़ते थे, उसी में से एक बच्चा आया है वीटी, जो कि हम लोगों ने बताया था कि वीटी आप लोग आकर के मिल सकते हैं। उसमें से एक बच्ची आई है, उनसे बात करते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया है, किस टाइप का पेपर आया है, हम लोगों ने जो पढ़ाया था उसमें से क्या आया है क्या नहीं आया है। तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम है छोटी? तान्या नाम है इनका। कहाँ से आई हो आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? केसरिया से आई हैं ये केसरिया पश्चिमी चंपारण से आई है। ये एग्जाम पूर्वी चंपारण से आई है और इनके पापा भी साथ में आए हैं। तो ये बताओ, हम लोगों ने जो आपको पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन आया था, उसमें से बाहर आया था, कैसा क्वेश्चन आया था? उसी में से क्वेश्चन था, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए, एक्चुअली कैमरा के सामने कभी नहीं आई है तो थोड़ा सा हो सकता है बोलने में हिचकिचा रही हूँ। ऐसा नहीं है ना कि मैं आप लोगों से आपसे बुलवा रहा हूँ कि आपको ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं है ना। जो भी हम लोगों ने पढ़ाया था, जो भी टॉपिक पढ़ाया था, उससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं है। कैसा क्वेश्चन आया? उसी में से था, उससे थोड़ा सा भी बाहर नहीं था, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं था। आपका पेपर कैसा गया है? बहुत अच्छा गया है। कितना क्वेश्चन सही हुआ? 90+ सही हो जाएगा। देखिए, हम लोगों ने जो पढ़ाया है, बच्ची बता रही है कि आप लोगों ने जो पढ़ाया, मुझे तो पता नहीं है कि उसमें से आया था, क्योंकि हम पेपर तो अब देखेंगे ना, पेपर तो हम पहले से नहीं देखे हैं। पेपर देखा कि ये बच्ची आई है हम लोगों से मिलने के लिए, तो ये बता रही है कि जो आप लोगों ने पढ़ाया था उससे कहीं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। यानी जो भी हम लोगों ने सिलेबस कवर कराया था, NCERT पढ़ने के लिए बताया था, जो भी चीज़ें हम लोगों ने कवर कराया था उसमें से सारे क्वेश्चन आए हुए थे, उसी में से इसका क्वेश्चन आया है, बच्ची ये बता रही है। अब हम पेरेंट्स से भी बात कर लेते हैं, हमारे बारे में पेरेंट्स क्या सोचते हैं, कैसी हमारी क्लासेस चलती है, कई दिक्कत वगैरह तो नहीं होती है? नमस्ते सर। सर ये बताइए कि आपकी बच्ची, आ जाओ बाबू यहाँ, आपकी बच्ची हमारे यहाँ पढ़ती थी, आपको पता है, और काफ़ी बच्चे पढ़ते थे, काफ़ी कम बच्चे यहाँ आ पाए, क्योंकि रीज़न ये था कि एग्ज़ाम के वजह से काफ़ी जाम था, तो जाम होने की वजह से, और सबका BHU में पढ़ा नहीं है, जिन लोगों का BHU में, सर का तो BHU में नहीं पढ़ा था, लेकिन ये स्पेशली हमसे मिलने के लिए यहाँ आए थे कि सर आप यहाँ आ जाइए, हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो सर आप बताइए कि मतलब हमारी संस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जितना रिजल्ट होना चाहिए उससे ज़्यादा है। हाँ, इसी बात है कि आप लोग का एफर्ट है, कंटिन्यूस लगे रहते हैं, कोर्स देने के बाद भी लगातार ऑनलाइन क्लास लेकर बच्चे से लगे रहते हैं, पढ़ाते हैं, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरी बात है कि आप जितना कोर्स इतने में लोग गाय किया है, उससे कहीं ज़्यादा फैल गया मतलब कोर्स का, इसलिए मैं बहुत गलत होते हैं, और इसमें इम्प्रूवमेंट मेरे बच्चे में आया है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। इसका रिजल्ट है 90+ में है, 100 मतलब ये परसेंट बोल रही है कि 90+ में होगा ही। देखिए सर बता रहे हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ाया है, कोर्स का वैल्यू जो होना चाहिए उससे काफ़ी कम पैसे में हम लोगों ने दिया है, यानी पैसे की वैल्यूएशन नहीं है। एक सेवा भावना से समझिए कि आप सेवा भाव की तरफ मतलब एक सेवा भाव से हम लोगों ने कोर्स किया है। दूसरी चीज़ सर ने ये बताया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि हम लोगों ने जो पढ़ाया है उससे बच्ची में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, बच्ची में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। यानी किसी से कोई भी आपका एग्जाम हो, बच्ची एग्जाम दी है इससे मतलब नहीं है, कहीं भी बच्ची पढ़ रही है तो उसमें हम जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो है काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव कर रहा है। जैसे कि मैं दावे के साथ भी कहता हूँ कि जो बच्चे हमारे पास 8th क्लास में पढ़ते हैं, 9th के लिए प्रिपरेशन करते हैं, अगर 10th क्लास के बच्चों के साथ अगर बैठ जाए, जो नॉर्मल बच्चा है, कहीं से कोर्स वगैरह नहीं करता है, तो उन लोगों से आगे यानी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि काफ़ी ट्रिक्स वगैरह जो दिए जाते हैं, मेथड दिए जाते हैं, तो इससे ये हमें पता चलता है कि सर के बताने के अनुसार, बच्ची के बताने के अनुसार जो हम लोगों ने पढ़ाया है 100% क्वेश्चन उसी से आए हैं, उससे कोई बाहर नहीं आया। सर ये बताइए कि हमारे आने वाले बच्चे जो हैं, जो फ्यूचर में हमारे पास एडमिशन लेंगे, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो भी बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारा कोर्स है जो बाई करके भी लोग मतलब देखता है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं आते हैं, बहुत सारा हफ्ता में एक बार ऑनलाइन क्लास होता है, लेकिन इसमें यह है कि लगातार हम लोग कंसिस्टेंटली पढ़ाए हुए रहते हैं कंटिन्यूस बच्चे के साथ, और बच्चा बहुत ही अच्छा से सीख पाता है, और अच्छा ये आपका PKD बहुत ही अच्छा मतलब बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा तैयारी के लिए, खास करके सभी लोग मतलब जैसे NCERT का लोग सिलेबस देते हैं या और भी CBSE बोर्ड का जो भी पैटर्न है उसका बिजली का चलते हैं साथ में, तो कहीं से भी बच्चे को गैप नहीं मिलता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ताकि ये सब चीज़ सारी संस्था में सारी इंस्टीट्यूट में नहीं समझाया जाता, क्योंकि इसमें पैसे कमाने के लिए लोग कोर्स बेचता है और बच्चे को पढ़ाता है। आप लोग का ये चीज़ हमको अच्छा लगे, जितना आपका फी ड्यूरेशन है वो सेवा भाव की तरह, ये हमको सबसे अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताओ छोटी, आने वाले जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आप एडमिशन लीजिए, बेस बहुत अच्छे से भले आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम आपका बेस। देखिए बच्ची कह रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बच्ची बता रही है कि आपका बेस बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि जो आप यहाँ से कोर्स करते हैं, क्लासेस करते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, हम लोग कंटिन्यू पढ़ाते हैं, तो उससे आपके आने वाले कई एग्जाम्स, ये तो मान लीजिए कहा जाता है ना कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो अभी आपका पड़ाव है, पूरा ज़िंदगी आपको कुछ ना कुछ करना है, तो उसमें आपका बेस जब मजबूत हो जाएगा, जब पिलर मजबूत होगा तो बिल्डिंग को बहुत ऊँचा ले जा सकते हैं, लेकिन पिलर ही आपका मजबूत नहीं होगा तो क्या करेगा, बिल्डिंग धराशायी हो जाएगा, इसलिए पिलर को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे क्लासेस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और
आगे भी अब कोर्स स्टार्ट की जाएगी अगले नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसके लिए यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ करके आए थे। आप लोगों को पता है कि 9th का आज एग्जाम था और हमारे बच्चे जो भी पढ़ाए हुए थे, जिनका वीटी में पढ़ा है यानी विश्वनाथ बीएचयू में पढ़ा है सॉरी, उनको हमने बोला था कि कुछ बच्चे आ सकते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है तो बच्चों को आने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जिन लोगों ने आया है हमें बताया कि सर बहुत मशक्कत करके हमें यहाँ तक आए हैं हम, तो जिन लोगों का तो बीएचयू से बाहर पढ़ा है उन लोगों से तो मैं मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन दो चार बच्चे हमारे पास आए हैं मिलने के लिए, तो इन लोगों से सवाल करते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ाया था, जो टॉपिक हम लोगों ने दिया था, क्या उससे भी बाहर क्वेश्चन आया है, कैसा क्वेश्चन आया है, सारी चीज़ें इन लोगों से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हाँ बताइए, सामने देखिए, कुछ बाहर से नहीं आया है आपको, मतलब आप जो पेपर किए हैं आपको क्या लगता है कितना नंबर आ सकता है? 90+ आ सकता है। जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ाया है, जो भी चीज़ें हम लोगों ने बताया है आप लोगों को, जो स्ट्रेटजी दी है आपको, पढ़ने का जो तरीका बताया था, उसमें क्या आपको क्या लग रहा है उसमें कि कैसा पढ़ाया गया है? आगे के बच्चे जो हमारे पास एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या हुआ? इनका नाम है हर्षित वर्मा। ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने जो भी चीज़ें बताया है बच्चों को, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। जो भी क्वेश्चन बताया गया, मान लीजिए बच्चा भूल ही गया कोई भी क्वेश्चन और नहीं कर पाया, तो उसमें तो टीचर की कोई गलती नहीं होगी, लेकिन हम लोगों ने जितना पढ़ाया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि मैं खुद भी उस पेपर को देखा हूं और चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। आप लोगों को 2023 पेपर का पूरा एनालिसिस भी हम कराएंगे। तो आपका क्या नाम हुआ? चंद्रमणि यादव। ये भी हमारे स्टूडेंट हैं और ये इनका एग्जाम विश्वनाथ टेम्पल के आसपास में पढ़ा था। तो आप बताइए कैसा क्वेश्चन आया है? मीडियम था पेपर, बहुत बढ़िया था, जो पढ़ाया हुआ था मतलब साइंस इंग्लिश हिंदी बहुत मतलब अच्छे तरीके से काम कर रहा था, अच्छा 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 हम लोगों ने पढ़ाया, हम ये नहीं जानना चाहते कहाँ से आया है, हम लोगों ने जो पढ़ाया जो टॉपिक आप लोगों को बताया उसमें से आया है पूरा का पूरा, 100 में से कोई क्वेश्चन ऐसा जो बाहर से हो नहीं, जो हम लोगों ने पढ़ाया है जैसे पढ़ाया, तो उसमें से कोई सर बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन जो था वो तो सर के लिए था, उसमें कोई गलत। हाँ, एक आध क्वेश्चन हो सकता है बाहर से भी आया है, लेकिन सारा टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ाया है उससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और हमें बच्चों से मिल करके काफ़ी अच्छा लगा, और कोई बच्चा मिलता है तो उनसे बात हम लोग जरूर। देखिए हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं स्वस्तिका, ये बहुत पहले से परेशान थी कि सर कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं, हम एग्जाम नहीं दिए हैं, थोड़ा सा आ जाएगा तो एक बार समझ में आएगा, हम लोगों ने काफ़ी टेस्ट वगैरह भी कराया था बच्चों से, इसमें हम लोगों ने कई चीज़ें बताया था। अच्छा, और SST वगैरह का जीके सभी जीके, जो जीके देखिए कुछ बच्चे पढ़ते हैं सर जीके का तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये बच्ची जो बता रही है, देखिए जो पढ़ेगा वही बताएगा, तो लेक्चर ही आप नहीं देखेंगे तो उसमें तो हमारी कोई गलती नहीं होगी, और ये बच्ची बता रही है कि सर जो भी आप लोगों ने पढ़ाया था चाहे GK GS हो चाहे जो भी टॉपिक आपने कवर कराया है, बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो तैयारी कराया था वो थोड़ा सा एडवांस लेवल तक भी करा दिया था, बच्चों को कुछ का क्वेश्चन करा दिया, कभी कोई दिक्कत ना हो, क्या करें हम एकदम से बोल रहे हैं, तो नहीं है ना कि आपको कहलवाया कुछ नहीं है ना कि आपको हमारे आने वाले बच्चे जो हमारे पास जो बच्चे आने वाले समय में एडमिशन लेंगे उनसे ये क्या कहोगे कि कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर, क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है? अगर जो इनसे पढ़ेगा कन्फर्म कर लेगा, देखिए देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पता नहीं होगा, बच्चियों के साथ CHS जो बहुत बड़ा नाइंसाफी की है, ये बच्ची कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, सोचिए कितना अच्छे से तैयारी की होगी, 6 सीट है मात्र बच्चियों के लिए, सिर्फ 6 सीट, हालांकि बच्चों के लिए जो बच्चे हैं बॉयज़ हैं उनके लिए लगभग 100 सीट, लेकिन बच्चियों के लिए सिर्फ 6 सीटें हैं, तो उसमें भी ये बोल रही है कि एडमिशन हो जाना चाहिए, हालांकि हम लोग तो पहले आप लोगों को वीडियो में बता ही चुके हैं कि हम लोग जो है उसका एनालिसिस कराएंगे पेपर का कि कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है, शाम तक आप लोगों को पता चल ही जाएगा।